के उत्तराधिकारी के ऐलान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी ने साफ कर दिया है कि महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन होगा। ये अखाड़ा परिषद की बैठक में तय होगा। यही नहीं, उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को साजिश का नोट करार दिया और कहा कि नरेंद्र गिरी इस तरह पूरा पत्र नहीं लिख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी से संबंधित, उसके ऐलान से संबंधित। दरअसल निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी ने साफ कर दिया है कि महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन होगा। ये अखाड़ा परिषद की बैठक में तय होगा। यही नहीं, उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को साजिश का नोट करार दिया और कहा कि नरेंद्र गिरी इस तरह पूरा पत्र नहीं लिख सकते। हमारे साथ महंत जो आचार्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज, महाराज जी सुसाइड नोट पर क्या कहेंगे? देखो भैया, सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। और मैं इसको बता रहा हूँ, मैं कभी, क्योंकि मैं आचार्य हूँ, आचार्य भगवान कार्तिक का रूप होता है हमारे निरंजनी अखाड़े में। दूसरी बात, मैं नरेंद्र गिरी जी महाराज का सबसे प्रिय मित्र था, मेरे सबसे प्रिय मित्र थे वो। और मेरा संबंध 2003 से 2021 तक उनसे ऐसा था कि हम दोनों का शरीर अलग था, दोनों की आत्मा एक थी। कहा जाता है कि बगैर आपसे पूछे दुख हो सुख हो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, इसलिए वो सुसाइड नहीं कर सकते थे। और मैं उनका राइटिंग पहचानता हूँ, मैं उनकी कटिंग है, कहीं एम है, उनकी एम है, एक जगह एम है, एम नरेंद्र गिरी, एक जगह महंत नरेंद्र गिरी, एक जगह पूरी स्पष्ट लिखा है उन्होंने आद्या तिवारी, वो दिख रहा है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी लिखा है, एक जगह लिखा है आनंद गिरी, दिख रहा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ने लिखा है। वो इस तरह से लिखते नहीं थे इतना लंबा, कदापि नहीं कि दुनिया में किसी के पास कोई पत्र उनका लिखा हो मुझे दिखा। ये साजिश का पत्र है, साजिश का पत्र है, इसकी खुलासा योगी जी करके रहेंगे।